केजरीवाल के आवास का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा था कि इसी क्रम में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आप नेताओं पर एक नया आरोप लगा दिया है। स्वाति का कहना है कि आप नेताओं के और कार्यकर्ताओं के द्वारा कथित तौर पर चरित्र हत्या अभियान के बाद बलात्कार और मौत की धमकियां उनको लगातार मिल रही है। यहाँ तक कि उन्होंने यूट्यूबर ध्रुव राठी पर भी गंभीर आरोप लगा डाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर स्वाति ने ध्रुव राठी का नाम क्यों ले लिया है, तो हम आपको बताते हैं कि पूरी जानकारी क्या है। उनका कहना है कि ध्रुव राठी उनके खिलाफ एक तरफा वीडियो पोस्ट कर लोगों की नफरत को और बढ़ा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मिले अपमानजनक संदेशों और बलात्कार की धमकियों के कई स्क्रीनशॉट उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किए हैं और लिखा है कि उन्हें अपनी ही पार्टी के नेताओं के द्वारा कथित तौर पर चरित्र हत्या और पीड़ित को शर्मसार करने का शिकार बनाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली महिला आयोग की पूर्व प्रमुख ने दावा किया कि पार्टी नेतृत्व उन्हें विभव कुमार के खिलाफ अपनी शिकायत वापस लेने के लिए डराने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि उन्होंने ध्रुव राठी को लेकर भी निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि उनके साथ संपर्क करने और उनकी बात रखने के लिए उन्होंने प्रयास किए, लेकिन ध्रुव राठी ने उनके कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया बल्कि उनको नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने ध्रुव राठी पर आरोप लगाया कि जो स्वतंत्र पत्रकार होने का दावा करता है लेकिन वास्तव में पीड़ित को शर्मसार करता है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ध्रुव राठी ने अपने 2.5 मिनट के वीडियो में ये क्यों नहीं बताया कि आपने ये स्वीकार करने के बाद अपना रुख बदल दिया कि घटना हुई थी, ना ही ये बताया कि MLC रिपोर्ट जो हमले के कारण हुई चोटों को प्रकट करती है। वीडियो का चुनिंदा हिस्सा जारी किया गया था और फिर आरोपी का फोन फॉर्मेट कर दिया गया था। गौरतलब है कि आप सांसद स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार पर शारीरिक मारपीट करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि विभव कुमार ने उन्हें 7 से 8 थप्पड़ मारे और जान से मारने की धमकी दी। वहीं आपको ये भी बता दें कि कुमार को दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 506, 509 और 323 के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया था। वह 28 मई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। इसके बाद कोर्ट में फिर इस मामले पर सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।